हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू फैमिली ब्लॉग। सो आप सोचोगे इतना सज धज के वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली मैं अपना फैशन वीडियो शूट कर रही थी, फिर सोचा कि फ्राइडे है, फ्राइडे या संडे को ये वीडियो डालनी रहती है मुझे, तो मैं फटाक से जो मैंने शूट करके रखा है उसका जो है एक्सप्लेनेशन पार्ट भी कर दूँ। सो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं राधे राधे बोलते हुए। पहले मैं आज कुछ होम हैक्स लेके आई हूँ जो आपकी लाइफ में थोड़ी सी इजीनेस लेके आएगा, आपके काम को थोड़ा आसान बनाएगा। तो इनमें से कोई भी हैक अगर आपको अच्छा लगे तो उसके लिए एक लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। तो चलिए, सबसे पहला हैक मैं आपको यही दूंगी कि हम सब जो झाड़ू है ना, जो इंडियन घरों में ऐसी मतलब मान्यता है कि झाड़ू जो है वो ऐसी जगह पे रखनी चाहिए जो किसी को दिखे ना। मुझे भी ये बात पता नहीं थी, बट जब शादी की तो ये छोटी छोटी चीजें सुनी सुनते आई सीखते आई, तो मैं झाड़ू अपने बेड के पीछे रखती। तो एक्चुअली सुबह में मेरी बॉडी बहुत स्टिफ रहती है बिकॉज मुझे थायराइड है, अगर जिनको पता नहीं है। तो मैंने एक जुगाड़ लगाया, उसको क्या बोलते हैं, एडेसिव हुक लिया। तो ये हुक ना बहुत जल्दी निकल जाता है, मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था। तो मैंने क्या करा कि जो मेरे पास स्ट्रांग ग्लू है, पहले डबल साइड टेप की हेल्प से चिपका दिया, उसके बाद में झाड़ू में एक मैंने धागा बांधा और बेड के पीछे मैं लटका दिया। मैंने, हो सकता है कैमरा उस एंगल से, मैं अभी भी मैं उधर देख रही हूँ, कैमरे का एंगल मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ, बट इस तरीके से अगर आप बेड के पीछे झाड़ू को हैंग करके रखते हो तो आपको सुबह सुबह झुकना नहीं पड़ेगा। अगर आपके बैक में पेन है तो ये बहुत ही एक छोटा सा टिप है, बट आप लोगों के लिए हेल्पफुल। हम सबके घर में पूजा होती है तो कभी कभी बच्चे पूजा करते हैं या बच्चों को हम यूज टू बनाते हैं पूजा करने के लिए। तो जो घी हम रखते हैं दीपक जलाने के लिए, तो हम कंटेनर में रखते हैं, चम्मच से जब बच्चे दीपक में घी को पोर करते हैं तो कई बार बहुत मैस फैल जाता है। तो एक छोटा सा टिप मैं आपको बोलूंगी कि के पास में ना हनी का कभी ना कभी कंटेनर आता है, या नहीं भी आता तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट आप लेते हो लाइक मेयोनीज में कभी हमें मिल जाता है, या फिर कुछ ऐसे चाइनीज सॉसेस रहते हैं जिसमें मिल जाता है तो वो खत्म हो जाता है। तो उसको अच्छे से आपने वॉश कर देना है, वॉश करके उसमें घी आप डाल के रखें जिससे बच्चे बहुत इजीली पोर कर लेंगे। तो आई होप ये छोटा सा टिप आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। जो तीसरा हैक है, अभी तक मैं पीताम्बरी से सिर्फ अपने पीतल के बर्तन क्लीन करते आई थी, मुझे नहीं पता था कि पीताम्बरी से जो है ये भी मैजिक हो सकता है। तो मैं मुझे ये मेरी मम्मी ने दिया था, चांदी की पान सुपारी और बहुत कुछ थे, लेकिन वो चोर लेके पहली फुर्सत में निकल गया, तो कोई नहीं। तो ये जो मुझे लग रहा था कि मैं इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ कोलगेट के अलावा, क्योंकि मुझे ना पता नहीं कि पूजा के बर्तन में कोलगेट लगाने का मन नहीं होता, तो मैंने जस्ट पीताम्बरी लिया, उसके ऊपर रब करा एंड इतनी अच्छे तरीके से बिल्कुल मैजिकल वे जो चांदी के पान सुपारी है बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो गए। तो ये चीज आप भी कर सकते हैं कि धूप, मैं अगरबत्ती नहीं दिखाती हूँ, पहले मैं अगरबत्ती ही दिखाती थी लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते कि अगरबत्ती नहीं दिखाना चाहिए। मैं धूप जलाती हूँ तो मैं जो धूप लाती हूँ ना इस तरह के लंबे वाले प्लास्टिक में होते हैं, तो जिसको रोज प्लास्टिक को हटाओ निकालो बहुत झंझट का काम है। तो हम सबके घर में इस तरीके के जो डब्बे होते हैं लाइक इसमें सोन पापड़ी आई थी, तो इस तरह का छोटा सा बहुत ही ऐसा लगा ना ये डब्बा इसी के लिए बना हुआ है, तो मैंने सारे पीसेस को निकाल के डब्बे में इस डब्बे में रख दिया, तो बहुत कन्वीनियंट हो गया, इजिली मैं रोज डब्बा खोलती हूँ एंड निकालती हूँ। आप मुझसे अग्री करोगे कि जब कोई चीज़ पैकेट में होती है ना तो हमें बहुत आलस आता है उसको निकालने, बट अगर हम कंटेनर में उसको अच्छे से रखते हैं तो फटाक से उस चीज़ को निकालते हैं, चाहे खाने पीने की चीज़ हो या पूजा की सामग्री हो। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने से माइंड भी आपका बहुत हद तक स्टेबल रहता है कि हाँ मैं मुझे जाना है और ये काम करना है। तो इस तरीके से आप अपने धूप को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। छोटे टिप्स इसमें इंक्लूड करे हैं, हम सबके पास में ना इस तरह के छोटे बड़े क्लचर होते हैं तो बहुत जल्दी इधर उधर गुम हो जाती है, बहुत सारी आपकी बिटिया रानी है, बहुत सारी हेयर एक्सेसरी है तो वो भी गुम हो जाती है। तो आपको करना क्या है, बस आपको इस तरह का, आप अगर कुछ भी लेते हो लाइक कपड़ा लेते हो, कोई लॉन्जरी लेते हो तो उसके साथ ये प्रोवाइड होती है, तो आपके पास जितने भी आपके हेयर एसेसरी है आप इसमें डंप कर दो इस प्लास्टिक शीट में, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक हैंगर टाइप बना हुआ है एंड इसको आप कहीं भी अपने ड्रेसिंग एरिया में हैंग कर सकते हो, या फिर कोई ड्रॉअर है, ड्रॉअर में आप डबल साइड टेप की हेल्प से कुछ भी आप लगा के उसको हैंग कर सकते हो जिससे आपकी सारी हेयर एसेसरी एक जगह पे। नेक्स्ट टिप है मेरा, ये मैंने शॉर्ट्स के थ्रू शेयर भी किया था कि बहुत ही छोटी सी चीज भी कमाल कर सकते हैं। इस तरह के टिप्स ना हम सबको प्रोवाइड होते हैं, शर्ट लेते हैं या कॉलर से निकलते हैं या पैंट लेते हैं उस वक्त, तो इसको आप फेंके ना, आप कोई भी डबल साइड टेप की हेल्प से अपने ड्रॉर में आप इसको चिपका दे, आपके पास अगर चार पांच है तो आप एक क्यू में चिपका दे एंड इसमें आप जितनी भी आपकी हल्की फुल्की चीजें हैं ना लाइक रबर बैंड, सेफ्टी पिन या फिर कोई नेक पीस जो बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी लोड नहीं ले पाएगा, है तो ये प्लास्टिक की छोटी सी चीज, बट इस तरीके से आपका जो डोर है ड्रॉर का वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। नेक्स्ट हैक है मेरा, ये भी मैंने शॉर्ट्स के थ्रू शेयर किया है, इसमें
उसमें मैंने बताया है कि अगर आपके पास में इंची टेप है, आप उसको यूज करते हो बट उसको फोल्ड करके रखना इज अ टास्क, एंड हम कभी कभी क्या करते हैं सर से स्टम्बल करके एंड डंप कर देते हैं, बट इससे इंची टेप बीच बीच से बहुत ज्यादा कट जाती है, तो ये चीज नहीं करनी है आपने। आपको बस इंची टेप को फोल्ड करना है रेगुलरली जैसे हम फोल्ड करते हैं, एंड एंड पे एक आपने रबर बैंड लगा देना, रबर बैंड को उसके अराउंड में टाई कर देना, एंड दैट्स सेट। आप बिल्कुल सॉर्टेड हो, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपका जो इंची टेप है ना वो आपका रीयूज हो जाएगा। घर में ना मोजा होता है, यस पुराना मोजा या फिर कोई नया मोजा जो गुम हो चुका होता है, तो आप उसको फेंके ना, जो आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा यूजफुल है, तो आप उसका साइड का कट कर दो, मतलब मैं जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ, एंड उसको एज अ रबर बैंड आप यूज कर सकते हो। आप देखोगे कि आप जो रेगुलर रबर बैंड्स होते हैं ना जो हम मार्केट से लेके आते हैं, वो बहुत जल्दी उससे बहुत हेयर फॉल होते हैं, या फिर बहुत मतलब मेरे बालों के लिए तो बहुत ज़्यादा, तो मैं घर पे ही स्क्रंचीज वगैरह बनाती हूँ। तो ये भी अगर आप ये सॉक्स का यूज़ करोगे ना, बट हाँ आप पुराना सॉक्स मत यूज़ करना, आपके पास कोई नया सॉक्स है या फिर अगर आप यूज़ भी करते हो तो उसको अच्छे से वॉश करके आप सुखा लेना, देन उसके बाद आप कट करके यूज़ कर सकते हैं। वीडियो शेयर किया था कि किस तरीके की साड़ी को आप कब कैसे किस तरीके से कौन सा डिज़ाइन आपको बनाना चाहिए, साड़ियों को क्यों रीयूज़ करना चाहिए, बट इस पर आप लोगों ने बहुत कम व्यूज़ दिए हैं, तो ये वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो जो नेक्स्ट हैक है वो भी सॉक्स को लेके है। सॉक्स जो है उसका जो मटेरियल रहता है दैट इज माइक्रोफाइबर, तो वो बहुत ही अच्छे से चीजों को क्लीन भी करता है। तो कई बार जब हम डस्ट क्लीन करते हैं ना तो हमारे हाथों में लग जाता है, तो सिंपली सॉक्स को आपको पहन लेना है, एंड जो बेड हेड रहता है या फिर जो हमारे घर में स्पीकर है या टीवी है उसको बहुत ही ईजिली आप क्लीन कर सकते हो। तो देखोगे जितना भी डर्ट है ना वो मोजे के ऊपर आ जाएगा, एंड मोजे को आप इजिली वॉश भी कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप मोजे को यूज कर सकते हो। मुझे नहीं पता किसी ने शेयर किया है कि नहीं, बट इंस्टेंट मेरे दिमाग में आया था ये हैक। जो झाड़ू हमारे घर में खराब हो जाती है लाइक, तो उसकी हर एक झाड़ू के पीछे इस तरह के प्लास्टिक का एक कवर लगा हुआ रहता है, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, तो मैंने उस कवर को खोल दिया, उसको अच्छे से मैंने फैब्रिक कलर से कलर करके उसमें मेरे बेटे ने रैंडमली कुछ एक इमेज बनाई है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, बैक साइड में एक आपने लगाना है मैग्नेट, एंड मैग्नेट लगाने के बाद में उसको फ्रिज में या फिर किसी ऐसी जगह में आप उसको चिपका सकते हो, एंड उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप कोई भी मनी प्लांट वगैरह लगा सकते हो। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप अपने जितने भी पुराने आपके झाड़ू के कवर है या फिर झाड़ू का एक और भी रीयूज आप कर सकते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या शॉर्ट्स के थ्रू बताऊंगी। तो इस तरीके से भी आप कवर को यूज कर सकते हैं। बच्चों की वो खराब हो चुकी होती है तो उसको फेंकने की बजाय, मतलब वो अच्छे कंडीशन में है बट उसके ऊपर का जो पेपर है या उसमें जो किसी भी तरह की प्रिंट है वो खराब हो चुकी है, तो आप सिंपली कोई भी एक वॉलपेपर जो आपके पास में घर में, अगर आपने वॉलपेपर मंगवाया है पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर आप बहुत ही इजीली उसे स्टिक कर सकते हो, एंड आप देखोगे कि मिनटों में आपका एक बहुत ही सुंदर सा आपका जो स्टडी टेबल है उसका मेकओवर हो चुका है, जिसको आप खाने में यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं इसको जब भी बेड के ऊपर, ऐसे हम खाते नहीं है लेकिन इमरजेंसी में कभी कोई आ गया या किसी की तबीयत खराब है तब हम इस टेबल को यूज़ करते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको एक मेकओवर भी दिया। राधे राधे।